अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एजाज अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिसे क्या चैनल। आज हम लोग सफ़र करेंगे अजमेर से जयपुर के बीच चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में, जो सप्ताह में 6 दिन चलती है और संडे के लिए ऑफ रहती है। उसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:15 पर यह अजमेर से खुलती है और 10:10 पर जयपुर को पहुँचाती है। लगभग 135 किलोमीटर का सफ़र तय करती है ये 3 घंटे में। चलिए आज के सफर का आगाज करते हैं। अंकल एक चाय दे दो, सुबह सुबह ठंड में खाना पीना ना मिले चलेगा चाय, लेकिन ठंड में चाहिए ही चाहिए, क्यों चाचा? धन्यवाद, सुबह सुबह चाय लिया है। चाय तो हम पीते नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड कुछ ज़्यादा ही है इधर राजस्थान में। स्टेशन बिल्कुल खाली है, ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं। मैंने ठंड की वजह से राजस्थान में आते हैं तो यहाँ सुबह थोड़ा लेट से होता है। सियालदा लगी हुई है, सुबह सुबह ठंड तो बहुत लग रही है, हाथ काम नहीं कर रहा, कैमरे वाला बटन दबा रहा हूँ तो वो भी नहीं दब रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत थोड़ा सा कर रहे हैं, अगर मेहनत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं तो शेयर और लाइक तो ज़रूर करिएगा, भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सात किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले हॉट मदार जंक्शन, जंक्शन पॉइंट इसलिए कि हम लोग जाएंगे जयपुर की तरफ और यहां से एक पटरी गई हुई है मारवाड़ की तरफ और हमारी ट्रेन का यहां 1 मिनट हॉल्ट। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए हमने ये वाला गेट दोनों बंद कर रखा है। बात करें किराए की तो अजमेर से जयपुर हमारा टिकट लगा है, टिकट का किराया जो लगा है वो 60 रुपये। निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है किशनगढ़, जो हमारा दूसरा हॉल्ट है और हमारी ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है। और देख लीजिए हॉल्ट कितना ज़बरदस्त है, देख लीजिए बिल्कुल खाली है, 10 आदमी या 20 आदमी बोर्ड करते हैं और वो उतने ही शायद उतरते भी है। अगर मैं कहीं पर फंबल हो रहा हूँ तो माफ़ करना यार, नया नया हूँ तो बोलने में परेशानी होती है। Thank you.
40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है अभी तिलोनिया, और नीचे उतर नहीं सकते इसलिए कि बहुत ही नीचे प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन यहाँ मुश्किल से 20 सेकंड रुकी होगी, और ये हमारा तीसरा हॉल्ट था। चालीस किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं गहलोता, जो हमारा चौथा हॉल्ट है, और यहाँ भी वही हाल है। इतना बढ़िया बढ़िया स्टेशन है यार, कोई चढ़ने वाला नहीं है, पूरी ट्रेन खाली जा रही है। चार तो हो गया, 10 हॉल्ट और बाकी है। 9 हॉल्ट के बाद हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे। हमारी ट्रेन का यहाँ 1 मिनट हॉल्ट है, तो चलते हैं। अट्ठावन किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पांचवें हॉल्ट साखुन, और देखिए ये खूबसूरत सा स्टेशन, बिल्कुल बगैर इंसानों के। हमारे इधर रहता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इधर तो बिल्कुल आदमी कम है, हो सके ठंड के वजह से, या फिर मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद। लगभग हमने 7 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, लेकिन आप ट्रेन की हालत देख सकते हैं, यानी बिल्कुल एक इंसान एक सीट पर बैठ के जा रहा है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल बैठा है। मुझे कंटेंट भी नहीं मिलता है कि किसी से कोई सामान भेजे उसका रिकॉर्ड करूँ या किसी से बात करूँ, सब बिल्कुल खाली है। भीड़ दिख रही है ठीक ठाक, सब सही है, चढ़ने वाले हैं कि क्या पता नहीं। साठ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके अपने छठे हॉल्ट नारायणा, और हमारी ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है। ये अच्छा बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे ठीक ठाक लोग चढ़ रहे हैं। अच्छे खासे लोग चढ़े, अब लग रहा है कि ट्रेन में कोई है। 60 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हमारी ट्रेन में कुछ लोग चढ़े, शायद इधर से अब चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा लोगों का, भीड़ बढ़ी है थोड़ी। क्या हो गया? अरे बड़ा खतरनाक है। कैसा लगा? चक्कर वक्कर आ रहे हैं क्या? आराम से उतरना देख करके, बढ़िया से उतरो। ओ सही है।
जंक्शन पे अभी हमारा सातवां हॉल्ट है। यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ सही नजर आ रही है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था पूरे इलाके में। यहाँ आपको राजस्थानी कल्चर की पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगी। अरे स्टेशन पे गाय बैल, वाह सही है यार। फुलेरा जंक्शन पे आराम से बैल घूम रहे हैं। स्टेशन अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन, राजस्थान में जैसे होता है। राजस्थान में जितने भी स्टेशन हैं लगभग बिल्कुल अच्छे और साफ़ सुथरे होते हैं और जगह बहुत अच्छी होती है। सफ़र तय कर लिया है और हमारे स्टेशन थी है ढींडा। इससे पहले के स्टेशन था लेकिन उसमें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ये हमारा नौवां स्टेशन है। मुझे लग रहा था कोई नहीं आएगा वेंडर बेचने वाला, लेकिन कुछ कुछ आ रहे हैं। सुबह सुबह कचौरी खाइए, चटपटा खाओ, मसालेदार खाओ, पसंद नहीं तो पैसा नहीं। चीप एंड बेस्ट, वेरी गुड टेस्ट। चटपटा मिर्ची अचार के साथ मिलेगा भैया, 20 रुपए प्लेट। खाके देखो, पसंद नहीं तो पैसा नहीं। ताजा खाओ, बढ़िया खाओ, पसंद नहीं आए तो पैसे वापस ले जाओ। हम लोगों ने लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। 80 किलोमीटर में तो कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अब लगभग हर ट्रेन में पूरे डब्बे में ठीक ठाक भीड़ भाड़ है। आप देख सकते हैं ये बात ठीक है। 30 किलोमीटर का और सफर रह गया हमारा जयपुर का। तो 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 11वें हॉल्ट बोबस। अब हमारा 30 किलोमीटर का और सफर बाकी रह गया है। तो 16 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने
12वें हॉल्ट धानक्या। हमारी ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है और बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है। पूरे राजस्थान में ऐसा लग रहा है, पूरा इंडिया में ही फॉग फैला हुआ है। दो पाइप तीन मिनट ज्यादा लग गया। 125 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके अपने सेकंड लास्ट स्टेशन कनकपुरा। और यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी उतर रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी धूप हो चुकी है। ध्यान दीजिए, तेलंगाना के रास्ते मधुराई से चलकर बीकानेर को जाने वाली मधुराई बीकानेर हमारे साथ यहाँ तक अपने सफर किया। थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा।